हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, निफ्टी अगर 10,850 का लेवल पार करेगा तो उसके बाद एक अच्छी खासी जो तेजी है निफ्टी में देखने को मिल सकती है और फिर 11,000 तक के जो लेवल है वो खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, कल के दिन फ्राइडे का जो सेशन था, एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली और फ्रेश बाइंग का जो सिलसिला है कल सेकेंड हाफ में हमको देखने को मिला। 2:30-3 बजे के बाद एक तेज रैली जो थी मार्केट में आती हुई दिखाई दी और मार्केट कहीं ना कहीं दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। जो क्लोजिंग है वो 10,900 के ऊपर जाके होती हुई दिखाई दी। और अगर हम बात करें दिन की ओपनिंग की, तो 10,752 के आसपास निफ्टी की ओपनिंग होती हुई दिखाई दी थी और लगभग उसी के आसपास निफ्टी का लो लगा 10,749 का और 10,933 का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। दिन भर हम एक रेंज में कामकाज कर रहे, एक छोटी सी रेंज में, लेकिन जैसे ही रेंज ब्रेकआउट हुआ 10,850 के लेवल के पार मार्केट निकला, एक अच्छी खासी 80 पॉइंट की लगभग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। कल के दिन सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा सपोर्ट किया और 22,000 के करीब जाके जो बैंक निफ्टी है वो बंद होता हुआ दिखाई दिया, 21,966 के आसपास जो जो लास्ट क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी वो ये थी। और 22,000 के पार भी बैंक निफ्टी निकलता हुआ दिखाई दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज HDFC बैंक के जो नतीजे आने वाले वो किस तरीके के होते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन डेटा के बारे में बात करेंगे, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट पे किस तरीके से अपना पोजीशन बनाते हुए दिखाई दे रहा है और किस तरीके से पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर भी हम एक बात करेंगे, लेकिन वो एक अगले वीडियो में जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट पे इंडिकेशन दे रहे हैं और कहाँ ब्रेकआउट और कितने दूरी तक जो निफ्टी बैंक निफ्टी है वहां पे लेवल निकल के आ रहे हैं। लेकिन कल के अगर तेजी वाले स्टॉक्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स ने कल अच्छा खासा मार्केट को लीड किया। BPCL में 12.5% तक की तेजी देखने को मिली, फॉलो अप बाइंग यहाँ होते हुए दिखाई दी। ONGC में भी लगभग 6% तक की तेजी थी। इंफ्राटेल 4-4.5% उछलता हुआ दिखाई दिया। गेल में 4% तक की तेजी थी और रिलायंस में भी 4% का उछाल आपको देखने को मिला क्लोजिंग बेसिस पे, फिर से 1900 के पार निकलता हुआ दिखाई दिया रिलायंस। हिंडाल्को में 1.9% की गिरावट थी, 1.86% ब्रिटानिया का स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया। नेस्ले में लगभग 1.47% की गिरावट थी, TCS 1.2% टूटता हुआ दिखाई दिया और डॉक्टर रेड्डी में 0.8% की गिरावट देखने को कल के ट्रेडिंग सेशन में मिली। लेकिन बात करें आप कल के FIIs डेटा की, तो 17 जुलाई के दिन, कल के दिन FIIs ने 697 करोड़ रुपीस की मार्केट में खरीदारी की। वहीं DIIs की तरफ से कल के दिन में 209 करोड़ की बिकवाली की है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के मोड में हल्के DIIs नजर आ रहा है, लेकिन FIIs का मूड जो है अब पॉजिटिव थोड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से कल के दिन सेकेंड हाफ में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली FIIs की तरफ से, बाइंग के फिगर यहाँ पे इंकरेजमेंट है। और सोमवार के दिन अब देखना होगा किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शन चेन डेटा की, निफ्टी के किस तरीके के ऑप्शन डेटा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से तगड़ी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, 10,850 का लेवल जिसके ऊपर हमने परसों बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके ऊपर की क्लोजिंग, और 10,900 के ऊपर जाके मार्केट में क्लोजिंग कल के दिन देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है नेक्स्ट वीक के लिए कि जो ट्रेडर्स है उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि वो 10,900 के ऊपर भी तेजी की पोजिशन लेके अगले हफ्ते के लिए जाने के लिए तैयार है। और सबको मान के चल रहे हैं कि ग्लोबल क्यूज जो है वो लगभग पॉजिटिव रहेंगे और ऐसी कोई भी खबरें वीकेंड पे नहीं आएंगी जिससे मार्केट वहां पे सोमवार के दिन आपको एक नीचे रिएक्शन देखने को मिले। तो 10,900 के पुट पे अगर हम बात करते हैं, कल के दिन 10,41,000 शेयरों की टोटल पोजीशन आपको दिखाई देगी 10,900 के पुट पे और 9,34,000 शेयर लगभग कली जुड़े लगभग, तो सारे के सारी जो राइटिंग है कली के दिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक उसी तरीके से 10,800 के पुट की अगर हम बात करते हैं तो 18,07,000 शेयरों की टोटल पोजीशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दी है, जहाँ पे 15,80,000 शेयरों का नया एडिशन कल के दिन देखने को मिल रहा है। तो 10,800 में एक अच्छी खासी राइटिंग ट्रेडर्स की तरफ से देखने को मिली है कल के दिन। 10,700 के लेवल पे के भी हम बात करने की कोशिश करें तो 18,86,000 शेयर नए जोड़ते हुए दिखाई दे, टोटल जो पोजीशन है वो 26,50,000 शेयरों की। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पोजीशन जो है वो 10,500 से शिफ्ट होके 10,700 पे आते हुए दिखाई दिए, यानी कि कहीं ना कहीं जो नीचे का बेस है वो ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब सबसे बड़ा जो सेकंड बेस है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का, वो आपका 10,500 के पुट पे देखने को मिलेगा, जहां पे 20,33,000 शेयरों का टोटल ओआई पोजीशन जमा है
और 6.5 लाख शेयर कल के दिन ही जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट अब ये मान के चल रहा है कि जैसे ही मार्केट ने 10,700-800 के लेवल को पार किया, 10,900 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली, बेस 10,700 पे शिफ्ट हो गया, यानी कि अब 10,700 के नीचे जाने के बाद ही आपको फ्रेश सेलिंग के ट्रिगर देखने को मिलेंगे और 10,700 एक स्ट्रांग बेस का काम करेगा। यानी कि अगर मार्केट 10,700-10,750 के आसपास कहीं भी देखने को मिलेगा तो वहां पे एक बाइंग की पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है, जहां से अच्छा खासा बाउंस बैक आने की उम्मीद है। तो ये लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अब कॉल की अगर हम बात करें, 10,900 के कॉल पे कल के दिन 6,86,000 शेयर जो है वो कॉल में जुड़ते हुए दिखाई दिए। 14,36,000 शेयरों की टोटल पोजीशन जो है कॉल में बनी हुई है अभी भी। अगर अब 10,900-11,000 के पार अगर सोमवार की एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली सबसे पहले ये कॉल राइटर्स जिन्होंने कल शॉर्ट किया 10,900 का कॉल, वो फंसते हुए दिखाई देंगे। 11,000 के कॉल की अगर हम बात करें तो 17,87,000 शेयरों की पोजीशन बनी हुई है। तो कोई खास बड़ी पोजीशन है नहीं जो कि यहाँ पार नहीं हो सकती। और 4,38,000 शेयर ही कल नए जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो 11,000 में जो कॉन्फिडेंस है दोस्तों वो थोड़ा कम है अब कॉल राइटर्स का। और जो पूरी पोजीशन शिफ्ट हो रही है वो अब चली गई है 11,000 से 11,200 के आसपास, जहां पे 21,80,000 शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल में दिखेगा अगले हफ्ते के लिए। तो अब जो पोजीशन पहले 11,000 पे थी वो 200 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गई, 10,500 की पुट की जो पोजीशन थी वो 10,700 पे शिफ्ट हो गई। तो मार्केट की जो रेंज है 500 पॉइंट की वो अब ऊपर शिफ्ट होती दिखाई दे रही है। जो पहले 10,500 से 11,000 थी वो अब 10,700 से 11,200 होती हुई दिखाई दे। तो अगले हफ्ते आपको नजर रखनी है, 11,200 तक के लेवल आपको हो सकता है निफ्टी में देखने को मिल जाए। 12,52,000 शेयरों की नई एडिशन कॉल में 11,200 के कॉल पे आपको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो 11,200 के कॉल वाले हैं वो ये समझ के चल रहे हैं कि 11,200 तक मार्केट आ सकता है और हो सकता है अगले हफ्ते आपको 11,000 का लेवल आसानी से पार होता हो दिखे। तो उस कंडीशन में 11,000 के कॉल को शॉर्ट करके कॉल राइटर्स फंसने की कोशिश ना करें, ये ज्यादा उन्होंने सेफ समझा। तो दोस्तों अब जो अगले हफ्ते की हम रेंज मांग के चल रहे हैं वो 10,700 से 11,200 के आसपास हो सकती है। 11,000 के लेवल पे अभी भी नजर रखनी जरूरत है। अगर 11,000 का लेवल पार हुआ तो आपको 11,200 का लेवल डेफिनेटली अगले हफ्ते देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निफ्टी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मजबूत है बैंक निफ्टी अदर इंडेक्सेस की तुलना में। निफ्टी में किसी भी प्रकार की गिरावट नहीं आ रही। इंडेक्स मैनेजमेंट बहुत ही जबरदस्त है। कभी कोई रिलायंस, कभी कोई आईटी शेयर, कभी कोई फार्मा शेयर या फिर कोई हैवी वेट दिग्गज, सारे लोग सपोर्ट कर रहे। तो इस तरीके से निफ्टी में गिरावट नहीं हो रही। लेकिन अब बात करें बैंक निफ्टी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे कल के दिन क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। कल की जो क्लोजिंग थी 21,966 पे आती हुई दिखाई दे रही है। जो नॉर्मल क्लोजिंग थी वो 22,080 के आसपास थी। प्रोविजनल क्लोजिंग जो है 21,966 पे होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करें यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमने देखा था 23,000 से 21,000 तक का करेक्शन रिसेंट डे में हमने देखा है यहाँ पे पिछले हफ्ते के आसपास में। फाइनली कल की जो क्लोजिंग है 22,000 के आसपास होती हुई दिखाई दे रही। तो 22,000 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट होगा कॉल में भी और पुट साइड में भी। पुट में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि बेस कहाँ है, तो 21,500 के लेवल पे नजर डालिए। 21,500 में कल के दिन 2,86,000 शेयरों का नया ओपन इंटरेस्ट एडिशन होता हुआ दिखाई दे और 4,29,000 शेयरों का नया टोटल ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 21,500 कहीं ना कहीं एक बेस का काम करेगा पहले मार्केट में बैंक निफ्टी के लिए। कल 21,500 पार हुआ तो कॉल में से लगभग 60,000 शेयर जो है वो अनवाइंड होते हुए दिखाई दिए। हालांकि कोई खास पोजिशन बनी नहीं थी 21,500 कॉल पे, जिसको निकालना आसान नहीं था। लेकिन 22,000 के कॉल की अगर हम बात करते हैं तो 5 लाख शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट पोजीशन आपको यहाँ पे अभी भी दिखाई देगा। और कल लगभग 2 लाख शेयर जो है 1,94,000 शेयर कल नए जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कमजोर शॉर्ट से अगर कल के दिन 22,500 के ऊपर अगर ओपनिंग देखने को मिलती है सोमवार के दिन मार्केट में, तो पहले ये 22,000 के कॉल वालों की पोजीशन कटेगी। अब देखना ये होगा कि क्या मार्केट 22,000 को पार करता है या नहीं करता, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी को लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। पुट में 21,000 का लेवल जो होगा वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे लगभग 1,75,000 शेयर कल के दिन जुड़ते हुए दिखाई दे और 4,67,000 शेयरों की टोटल पोजीशन पुट में आपको वहां पे दिखाई देगी। तो 21,000 से 21,500 ही आखिरी उम्मीद है बैंक निफ्टी की, जिसको मार्केट ने इस बार भी बचा लिया और फिर से रिवर्सल की कोशिश की। निफ्टी ने अपना नया हाई लगा लिया, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी 23,000 के मुकाबले हम बात करें तो 1,000 पॉइंट पीछे बंद हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं कॉल में आगे के डेटा की कि कहां तक मार्केट जा सकता है।
दोस्तों बैंक निफ्टी में 22,000 के लेवल निकलने के बाद 22,500 और सिर्फ 23,000 तक की टेंशन है कि ये लेवल जो है थोड़ा स्ट्रांग सप्लाई जोन बैंक निफ्टी के लिए हमेशा से बना हुआ है। लगातार यहाँ पे सप्लाई आती हुई दिखाई दिए। 5,04,000 शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 22,500 के कॉल पे बना है। 2,76,000 शेयर लगभग कल ही जुड़े और 23,000 के कॉल में 5,21,000 शेयरों का टोटल हुआ है, जहां 2,12,000 शेयर कल के दिन ही जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों आपको नजर रखनी है 22,500 और 23,000 के लेवल पे। अगर 23,000 का लेवल अगले हफ्ते किसी भी कारण से पार होता हुआ दिखाई दिया या फिर बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखाई दी और अगर HDFC बैंक के नतीजे या बैंकों के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज आती हुई दिखाई देती है और 23,000 का लेवल पार हो जाता है तो दोस्तों फिर बैंक निफ्टी में आग लगती हुई दिखाई देगी। 23,000 के बाद दोस्तों ये बैंक निफ्टी 24-25,000 से पहले कहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई खास बड़ी पोजीशन फिर उसके बाद आपको देखने को नहीं मिलेगी। 23,000 और खास कर जो शॉर्ट कवरिंग होगी 5-5 लाख शेयरों की, ये भी आसानी से फिर बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचेगी। 23,000 के ऊपर जाते ही एक फ्रेश ब्रेकआउट जो है वो बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगा। लगातार निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस के बाद कहीं ना कहीं अगर आउट परफॉर्मेंस की कोशिश होगी तो वो भी बैंक निफ्टी से आती हुई दिखाई देगी। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल होता है, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार वोलेटिलिटी घटती हुई दिखाई दे रही है, जो वोलेटिलिटी पिछले हफ्ते तक 45-50 के आसपास बैंक निफ्टी में, तो वही इस हफ्ते आप देखेंगे 38 से 35 के आसपास कहीं ना कहीं आती हुई दिखाई दे रही है। तो वोलेटिलिटी अब कम हो रही है। पुट में भी वोलेटिलिटी की बात करें तो 30 से 35 की वोलेटिलिटी जो है वो आपको बैंक निफ्टी में चलती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट जो है वो फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है कि शायद आगे चल के यहाँ पे तेजी होती हुई दिखाई दे, और मार्केट कोरोना से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही है उस सभी को नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो उसका कोई खास असर मार्केट में नहीं पड़ रहा। मार्केट को अगर गिरना है तो कोई फ्रेश नया ट्रिगर लगेगा, वो कोई भी ट्रिगर अलग टाइप का हो सकता है, लेकिन कोरोना शायद अब वो ट्रिगर ना हो जिसके कारण मार्केट आगे गिरता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों ये थे बैंक निफ्टी के डेटा। अगले हफ्ते की जो अगर रेंज की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 21,500 से 23,000 की जो रेंज है उसके बीच रहता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर 23,000 पार होगा तो डेफिनेटली मैंने कहा कि बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग जो होगी, जो फिर जो भी फंड हाउस होंगे या जो भी FIIs होंगे वो फिर अपनी शॉर्ट पोजीशन जो होगी वो कवर करते हुए दिखाई देंगे और फिर 500-1,000 पॉइंट की एक शानदार तेजी आपको देखने को मिल सकती है। फिर 23-25,000 तक के भी लेवल है बैंक निफ्टी में आसानी से आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।